दोस्तों आप सभी का मैथ बाई सारसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, मैथ बाई सारसर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए हरियाणा जीके का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह आने वाला एग्जाम हरियाणा HSC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें और प्रत्येक जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले जितने भी HSC के एग्जाम हैं उन सब में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप इस जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखें और साथ साथ नोट भी करें तो और भी बेटर रहेगा। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा वो ये है कि हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री है वो कौन है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा इसके साथ साथ जो बनने वाले हैं कि हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री है वो कौन है। तो लगभग सभी को पता है जो पहला मुख्यमंत्री था हमारा वो था भगवत दयाल शर्मा। जैसे ही हरियाणा स्टेट बना पंजाब से अलग होकर, तो उसी दौरान जो मुख्यमंत्री बना था हमारा वो था भगवत दयाल शर्मा। इसने शपथ ले ली थी 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से लगे हुआ था, उसी दिन शपथ ले ली थी। ये जो कैबिनेट थी उन्होंने अंतरिम रूप से इसको मनोनीत किया था। कि किस पार्टी से था जो भगवत दयाल शर्मा था वो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बना था वो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो नेशनल कांग्रेस थी उसी पार्टी से ये संबंध रहता था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आज का, हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में और बच्चे बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन महसूस करते हैं कि जो पहला मुख्यमंत्री था वो था हमारा भगवत दयाल शर्मा, लेकिन जो पहला गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस पार्टी का जो पहला मुख्यमंत्री नहीं था वो बताना है इसमें, तो वो था राव वीरेंद्र सिंह। कौन था दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह, जिसने मार्च में इलेक्शन हो गए थे दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को बनाया था, तो नवंबर और 5 महीने के बाद इलेक्शन हो गए थे। और उसी के बाद जो दूसरी सरकार बन के आई उस टाइम जो पार्टी थी हरियाणा के अंदर वो थी विशाल हरियाणा पार्टी। तो 24 मार्च 2066 को इसने शपथ ले ली थी राव वीरेंद्र सिंह ने। और जो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो राव वीरेंद्र सिंह था वो किस पार्टी से संबंधित था, तो ये दोस्तों जो देखो क्वेश्चन आपको आसान दिखे, लेकिन इस आसान क्वेश्चनों में भी आपको जो क्वेश्चन बनेंगे टेबल क्वेश्चन बने जा रहे हैं मैं आपको उन्हीं के बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि जो राव वीरेंद्र सिंह था वो किस पार्टी से था। यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जो राव वीरेंद्र सिंह था वो विशाल हरियाणा पार्टी से था दोस्तों। जैसे भगवत दयाल शर्मा था वो 5 महीने अपना कार्यकाल करेगा, 5 महीने जैसे पूरे भी नहीं हुए, जस्ट मार्च में इलेक्शन हुए तो 24 मार्च को शपथ ले ली राव वीरेंद्र सिंह ने, जो पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। और उसकी जो पार्टी थी वो थी विशाल हरियाणा पार्टी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है किस पार्टी से था, ये जरूर आपको याद रखना है। वीरेंद्र सिंह था विशाल हरियाणा पार्टी से। तो कुछ टाइम के बाद दोस्तों एक और इंसिडेंट हुआ हरियाणा में, यानी हरियाणा में आपातकाल लग चुका था और एक बार राष्ट्रपति का शासन इसमें लागू हो गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार बनता है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 2 नवंबर 1967 को। 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था दोस्तों। आप ध्यान देखना, 24 मार्च 1967 को इसने शपथ ली थी राजेंद्र सिंह ने, और 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में आपातकाल हो चुका था दोस्तों। ये मान लो 6 महीने हुए भी नहीं थे, 6-7 महीने की बात है, उसके बाद ही जस्ट हरियाणा में आपातकाल लग चुका था। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि दोस्तों हरियाणा में पहली बार आपातकाल कब लगा था, 2 नवंबर 1967 को, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आज मैंने इसमें शामिल किए हैं वीडियो में वो HSC में पहले आ चुके सारे प्रश्न हैं, यानी मैंने आज वीडियो में वही प्रश्न डाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं,
हर्षवर्धन के ऊपर जितने भी पेपर में प्रश्न आए हैं वो मैंने इस वीडियो में सारे शामिल कर लिए। और दोस्तों एक चीज मैं गारंटी से कहता हूँ, जो हर्षवर्धन था राजा था, इसके ऊपर अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आज जो आप पॉइंट देख रहे हो इनसे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जो राजा हर्षवर्धन था वो किस वंश से था? तो दोस्तों उसका वंश था पीयूष भूति वंश। तो पीयूष भूति वंश था, ये 7वीं शताब्दी के अंदर इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। दोस्तों 7वीं शताब्दी थी, इसमें जो पीयूष भूति वंश था उसके द्वारा राजा हर्षवर्धन ने इसको दोस्तों 7वीं शताब्दी में ये से संबंधित है पीयूष भूति वंश। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो हर्षवर्धन था उसने हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी कौन सा क्षेत्र बनाया था? बहुत बार दोस्तों प्रश्न बनाया है कि हर्षवर्धन जो राजा था उसकी राजधानी हरियाणा में किस जगह पे थी। तो दोस्तों वो थी थानेसर में, हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थी थानेसर। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार एग्जाम में जितने भी एग्जाम पीछे हो चुके उसमें देख सकते हो कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा में किस जगह को बनाया था, तो बनाया था थानेसर को। और दोस्तों अगला प्रश्न है इसी के अंदर होता है कि हर्षवर्धन की रचना कौन सी है, इनमें से जो हर्षवर्धन के द्वारा की रचना कौन सी है? तो हर्षवर्धन ने अपनी खुद की रचना की थी। हर्षवर्धन एक खुद कवि भी था जिसने अपनी खुद रत्नावली लिखी थी, इसका नाम था क्या था? रत्नावली। अपने द्वारा यानी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी की रचना का नाम था रत्नावली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो हर्षवर्धन था उसका राज कवि कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? तो दोस्तों ये था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट इसके काल का कवि था। और इस जो बाणभट्ट की जो वो थी रचनाएं थी वो निम्नलिखित में आपको बताता हूँ। दोस्तों बाणभट्ट ने जो रचना की थी वो एक तो थी हरिश्चरित। कौन सी थी? हरिश्चरित। और दूसरी थी कादंबरी। दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपरों में बहुत बार पूछी जाती हैं कि कादंबरी किसकी द्वारा या किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो दोस्तों ये है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं, एक तो है हर्षरित और दूसरी है कादंबरी। याद रखना दोस्तों दोनों किसके हैं? ये बाणभट्ट की। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन काल में जो लेखक आया था वो कौन आया था? वो तो दोस्तों हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन काल में एक लेखक आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो हर्षकालीन मुद्रा है, हर्षकालीन जो मुद्रा है वो कहाँ पर मिली है? जो सिक्के थे हर्षकालीन जो सिक्के थे वो दोस्तों सोनीपत में मिले। कहाँ मिले हैं? सोनीपत में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनीपत में हर्षकालीन जो मुद्रा है वो सोनीपत में मिली। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार जाता है कि हर्षकालीन मुद्राएँ हरियाणा के किस जिले से मिली हैं? तो दोस्तों ये मिली है सोनीपत से। तो अगले कुछ क्वेश्चनों के बाद दोस्तों मैं आपको सोनीपत के बारे में और भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो स्पेशल करवाऊंगा अभी कुछ देर के बाद ही। आप बस ये वीडियो देखते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्ष का टीला किस जगह पे है? हर्ष का टीला है थानेसर में, जहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों वहीं पर ही इसका हर्ष का टीला है। जगह कौन सी? थानेसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिल द्वितीय ने हराया था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवाता हूँ सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन किस वंश से था? उसका वंश था पुष्य भूति वंश। किस शताब्दी से संबंधित था? वो 7वीं शताब्दी से संबंधित था। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेसर राजधानी थी। इसके द्वारा रचना की रचना कौन सी थी? वो थी रत्नावली। इसका राजकवि था वो कौन था? वो था बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा की रचना कौन सी थी? हर्षरित और कादंबरी थी। और इसके टाइम में जो लेखक आया था वो आया था दोस्तों हेनसांग। और जो हर्षकालीन मुद्रा थी वो कहाँ मिली है? हरियाणा की किस जगह मिली है दोस्तों? मिली है सोनीपत से। और हर्ष का जो टीला है वो कहाँ हुआ? थानेसर में। और हर्षवर्धन को हराया किसने?
पुलकेशिल द्वितीय ने। तो दोस्तों ये थे हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन। एग्जाम में मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर हर्षवर्धन पे कोई भी प्रश्न बनेगा तो इनसे बार एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चनों का एक बार जरूर देखे जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जो आपके को मैं बताने जा रहा हूँ वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी सोनीपत जिले से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं वो करवा रहा हूँ, और आगे भी दोस्तों इन्हीं में से बनेंगे। तो इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लो। अगर आपने ये सारे पॉइंट दिमाग में सेट कर लिए तो सोनीपत के ऊपर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सोनीपत का जो नाम पड़ा है वो किसके ऊपर नाम पड़ा है? तो दोस्तों वो था शरण कुमार के ऊपर सोनीपत का नाम पड़ा था। इसका पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ। क्या नाम था? सोनप्रस्थ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे समझिए, जो सोनीपत था इसका प्राचीन काल में जो नाम था सोनप्रस्थ था, और इसी सोनप्रस्थ को जो युधिष्ठिर था उसने 5 प्रस्थ मांगे थे, उनमें से एक प्रस्थ ये भी था। दुर्योधन से 5 प्रस्थ मांगे थे युधिष्ठिर ने, उनमें से एक प्रस्थ सोनीपत भी था, जिसका पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ। और किसके नाम पर पड़ा था इसका नाम? शरण कुमार के नाम से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसके ऊपर। सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? सोनीपत की जो स्थापना हुई थी, यानी सोनीपत जो जिला बना था वो बना था दोस्तों 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना था। और दोस्तों किससे अलग होकर बना था? यानी सोनीपत पहले था रोहतक जिले में। किस में था ये? रोहतक जिले में पहले था, और रोहतक से अलग होकर ये अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। इससे पहले अगर बात की जाए सोनीपत तो किस जिले में था? वो था दोस्तों रोहतक जिले में। अगला प्रश्न करते हैं इसी के संबंध में। जो पहले पर क्या था कि जो हर्षकालीन मुद्राएं थी वो भी दोस्तों इसी जिले में मिली थी, यानी जो हर्षकालीन के उस टाइम के जो सिक्के थे वो मिले थे दोस्तों सोनीपत से। और अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर, वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो एटलस साइकिल है उसका उद्योग कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी है सोनीपत के अंदर। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है इसकी, इसको एक अलग पहचान देती है सोनीपत को, कि जो एटलस साइकिल बहुत बड़ा उद्योग है वो कहाँ पर है? सोनीपत में। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों इसी के अंदर। जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है जिसको हम राइज बोलते हैं वो दोस्तों सोनीपत के अंदर ही है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल ये किसके अंदर है? सोनीपत के अंदर है। अगला प्रश्न बनता है जो खिजर खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों खिजर खान का मकबरा भी कहाँ पर है? सोनीपत जिले के अंदर है। और जो खिजर खान था दोस्तों किस वंश से था? ये था सैयद वंश से। किस वंश से? सैयद वंश से। खिजर खान का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में। और जो खिजर खान था वो किस वंश से संबंधित था? दोस्तों वो था सैयद वंश से। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजीव गांधी था वो पीएम था दोस्तों, उसी के नाम पर सोनीपत के अंदर एक एजुकेशन सिटी यानी कि एजुकेशन हब को लगाया है, और इसी इसको आज के दौर में सोनीपत को एजुकेशन सिटी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोनीपत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोनीपत के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन हब है, इसीलिए इसका नाम एजुकेशन सिटी भी आजकल लोग कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुम्बी के अंदर जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? तो दोस्तों वो जिला है सोनीपत, जिस जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खुम्बी में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सोनीपत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर है? सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर है? तो दोस्तों जो सतकुंभा तीर्थ है वो खेड़ी गुजर गांव है, सोनीपत के अंदर ही है। खेड़ी गुजर गांव उसी के अंदर है सतकुंभा तीर्थ, यानी सोनीपत जिले के अंदर खेड़ी गुजर गांव है उसी में है सतकुंभा तीर्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और सर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का उसी के अंदर मेगा फूड पार्क खोल दिया गया है। मेगा फूड पार्क खोल दिया गया है दोस्तों लाई के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि जो सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति है वो हरियाणा के किस जिले से मिली है? ये दोस्तों महाभारतकालीन है स्थान, जो सोनप्रस्थ था
आज उसी का नाम क्या है, सोनीपत है। तो ये प्राचीन धार्मिक स्थान है दोस्तों, और इसमें जो विष्णु है वो सैया पर लेटे हुए हैं, ऐसी मूर्ति वहाँ पर मिली है। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, सैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति है वो हरियाणा के किस जिले से मिली है, तो दोस्तों हरियाणा के सोनीपत जिले से मिली है। और सोनीपत में कहाँ पर मिली है, वो जगह है दोस्तों फाजिलपुर। कौन सी है, फाजिलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत के बारे में दोस्तों अब जितने भी आज तक पेपर में क्वेश्चन बने हैं वो सारे पढ़ेंगे। और दोस्तों फिर एक बार फिर कहता हूँ, आगे कोई भी अगर पानीपत जिले पे क्वेश्चन बनता है तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पॉज करके रिवाइज करके दो दिन में तीन दिन में एग्जाम से पहले इसको आप ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई, ये 1 नवंबर 1989 को हुई थी। तो इसका दोस्तों एक उपनाम भी है, इसको एक और नाम से बोला जाता है, पानीपत जिले को बुनकरों का शहर बोला जाता है या बुनकरों की नगरी भी से कहा जाता है। तो दोस्तों ये है पानीपत, इसका उपनाम है बुनकरों का शहर। दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है पानीपत, वो हर बार एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी, जो युद्ध हुए थे पानीपत के, आज ये पानीपत के युद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी, युद्ध हुए थे, बहुत महान युद्ध हुए थे। तो दोस्तों पहला युद्ध हुआ था, जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 यानी पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1526 को। कब हुआ था, 1526 को। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें जो पहली लड़ाई थी इसमें जीत हुई थी दोस्तों बाबर की। कौन जीता था इसमें, बाबर। ये क्वेश्चन देखो आजकल दोस्तों बहुत बार रिपीट हो रहा है कि पहला युद्ध कब हुआ था 1526, और इसी के ऊपर आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इन्हीं में से निकलेंगे, जो पहला लड़ाई हुई थी, जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें कौन जीता था, यह प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी बाबर की, और पराजय हुई थी इब्राहिम लोदी की। और दोस्तों इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी था वो मर गया था, और वहीं पर इसका पानीपत के अंदर ही इसका मकबरा बना दिया गया था। ये प्रश्न बहुत बड़ा आता है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत के अंदर, क्योंकि ये पहला जो युद्ध हुआ था 1526 में उसी में लड़ते लड़ते मर गया था, और वहीं पर इसका मकबरा यानी इसको दफना दिया गया था, वहीं पर इसका मकबरा बना दिया गया था। दोस्तों ये अगला जो प्रश्न हमारा, काबुली बाग मस्जिद। दोस्तों ये काबुली बाग है क्या, पानीपत के अंदर बाबर के द्वारा जब बाबर की विजय हुई थी पानीपत की पहले लड़ाई में, उसी के खुशी में बाबर ने इसको बनवाया था काबुली बाग मस्जिद को। मस्जिद के आगे गार्डन है उसी को काबुली बाग बोला जाता है। और ये किस खुशी में बनाया गया था, ये बाबर की जीत हुई थी पहले लड़ाई में इब्राहिम लोदी के हराकर, तो उसी खुशी में काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी। तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है, पानीपत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत की, दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1556 में। दोस्तों पहली 1526, दूसरी 1556, कुछ संख्याएं मिल रही हैं 26 और 56, याद रखना दोस्तों, पहली 26 दूसरी 56। तो दोस्तों इसमें भी प्रश्न बनता है कि यह दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो दोस्तों मैं आपको एक बार एक अलग क्वेश्चन बताता हूं, यहाँ पर जो हेमू था इसका हेमचंद्र के नाम से जाना जाता था, और ये एक हिंदू शासक था। क्या था, ये हिंदू शासक था, और रेवाड़ी का राजा था, रेवाड़ी पे राज करता था, ये रेवाड़ी का शासक था। और दिल्ली सल्तनत पर अंतिम जो हिंदू शासक था, राज करने वाला था, वो भी कौन था, हेमू था। तो दोस्तों दूसरे युद्ध में यानी 1556 में युद्ध हुआ था उसमें जीत हुई थी किसकी, अकबर की। इस युद्ध में हेमू हार गया था दोस्तों। फिर तीसरा युद्ध हुआ पानीपत की, तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुई दोस्तों। कब हुई थी, 1761 में, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ, यह हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें भी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ही जीता था, और मराठों की इसमें करारी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि सलारगंज का जो गेट है वो कहाँ पर है, सलारगंज का जो गेट है वो कहाँ पर है, तो दोस्त का इसका आंसर है पानीपत, पानीपत के अंदर ही ये सलारगंज का गेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाह कलंदर की कब्र कहाँ पर है, शाह कलंदर की कब्र कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है शाह कलंदर की कब्र है, ये भी कहाँ पर है, पानीपत में। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देवी तालाब मंदिर, देवी तालाब मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है, पानीपत में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पानीपत के ऊपर, कि सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला कौन सा जिला है, तो दोस्तों वो है पानीपत। और हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा और भारत में भी सबसे ज़्यादा बासमती चावल को निर्यात करता है वो होता कहाँ से है, पानीपत से। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर और अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार कर ले और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।